एक अच्छी खबर, मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। बुरी खबर, लोन में कट गई। ईश्वर ने मल्टीपर्पज यूज दिए हैं। मल्टीपर्पज, पत्नी होती है खरीदा हुआ बीड़ी का बंडल, अच्छा, और साली उसमें निकली हुई इनाम होती है। स्वयं पे हंसना जो जानता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार, और जानता हूं मैं आप इंतजार कर रहे हैं, मैं उस कार्यक्रम में आ गया हूं जिसका नाम है क्या है, इतना खूबसूरत माहौल, इतनी खूबसूरत ऑडियंस, इतने खूबसूरत लोग जो घरों में अपने बैठे हुए देख रहे हैं। क्योंकि खूबसूरती चेहरों की नहीं होती, सूरतों की नहीं होती है, सीरतों की होती है। अगर आप भीतर से अच्छे हैं तो बाहर हमेशा आपकी चमक बनी रहेगी। जिंदगी में कई बार हम फटे हुए मोजे के ऊपर जूता पहन लेते हैं, उसमें एक कहीं छेद होता है, उसमें बैठे बैठे हम उंगली घुमा रहे होते हैं कि ये तो किसी को नजर नहीं आ रहा। आत्मा के जो छेद होते हैं ना, वो नजर नहीं आते, लेकिन आप उसमें उलझे हमेशा रहते हैं। इसलिए आत्मा के चित्रों को भर देंगे तो बाहर की चमक अपने आप आ जाएगी। और ये बाहर की चमक के लिए हम लोग पढ़ते हैं कविताएं, सुनते हैं कविता, कहते हैं वाह भाई वाह। और जिंदगी में चमक तो किसी के भी चेहरे की जा सकती है भाई साहब। जैसे एक साहब थे, उनसे किसी ने पूछा, ये आपके साथ चल रहे हैं कौन है? बेटे हैं हमारे पांच। पांच बेटे? हाँ हैं पांच बेटे। पुराने जमाने की बात है, तब ऐसे ही होते थे, पांच सात छः आठ। अच्छा, क्या ये MBA है? वाह, ये MCA है, ये BTech है, ये MBA है, ये चोर है। तो फिर आप क्या करते थे पढ़े लिखे घर में, और इस चोर को घर से क्यों नहीं निकाल देते? कैसे निकाल दें? ये चारों तो बेरोजगार है, घर तो यही चला रहा है। डिग्री बड़ी कमाल की होती है साहब, आप कितनी भी डिग्री ले लो दुनिया में। आपको मैं बड़ी कॉमन सी बात बताता हूँ, जिंदगी में आप सबके साथ हुआ होगा, आप भले कितनी बड़ी से बड़ी डिग्री ले लीजिए, लेकिन किसी दरवाजे में पुश और पुल लिखा हुआ हो, या तो पुश या पुल, तो दो तीन सेकंड खड़े होकर सोचते जरूर है धक्का देना, खींचना है, करना क्या है। ये होता ही है। कितना ही पढ़ा लिखा आदमी क्यों ना, ये करता ही है। जिंदगी में हमेशा सबके साथ होता है। और कुछ लोग तो ऐसी आदतों के शिकार होते हैं, जिसकी हमारे मोहल्ले में एक लड़का घूमता था, वो आता, अंकल ये जो पड़ोस में जो रहती है ना आंटी, जो ये है बहुत उम्र की है, बुजुर्ग थी, बहुत परेशान करती है हमको। क्यों? जैसे कोई बारात आती है मेरा गाल पकड़ के, अब तेरी बारी है, अगली शादी तेरी, अब तेरी बारी है। तो उनका उसमें क्या बेचारा प्यार करते हैं ना, दुखी हो गए, नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा देखो बेटा, तुम्हें कुछ गुर सिखा देते, उसके बाद शायद ऐसा ना हो। उसके बाद वो मान गया, चला गया दूसरा, अब सेट हो गया, अब नहीं कहेगी वो। मैंने कहा क्या किया तूने? बोला आपकी बात तो मैंने ना मानी, मैंने खुद की कर ली, अब नहीं कहती वो। मेरे को रोज कहती थी शादी देखते कि तेरी बारी है, कल एक अर्थी जा रही थी। मैंने कह दिया अब आपकी बारी है। नहीं देखो, ये बदतमीजी, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। लेकिन लोग मानते कहाँ है गलत बात, जैसे पति पत्नी आपस में बात करते हैं, सुनो ना, हाँ सुनो ना, सुनो ना, ऐसे एक तो यार सुनो ना क्या होता समझ में नहीं आता मुझे। जैसे मुझे बचपन में कई सालों तक ये लगा कि मेरे पिताजी का नाम सुना है और मेरी माँ का नाम भी सुना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते थे, सुना। कई सालों तक मुझे लगता रहा था कि मेरे माँ बाप दोनों का नाम सुना है, बाद में पता चला कि नाम कुछ और है। लेकिन ऐसे बात कर रहे थे पति पत्नी, तो पत्नी ने कहा पति से, मुझे बताओ ना, तुम मुझे एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर दोनों एक साथ सुनाओ। अरे उससे क्या होगा? नहीं होगा, नहीं सुनाओ, मैं भी तुम्हें एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर दोनों साथ साथ सुनाओगे, देखते कौन जीतता है। पति ने कहा ठीक है, पहले तुम्हारी बारी, नहीं पहले तुम्हारी बारी। तो पति ने कहा ठीक है, एक अच्छी खबर, मेरी तनख्वाह बढ़ गई, बुरी खबर, लोन में कट गई। अब तुम चुनाओ। अब पत्नी बोली, एक अच्छी खबर, कल मैं 15 दिन के लिए मायके जा रही हूं। पति, बुरी खबर, पड़ोसन भी जा रही है। जिंदगी में अच्छी खबर बुरी खबर एक साथ आ जाए तो
हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास अच्छी खबर यह है कि आज का एपिसोड बड़ा विशेष है। विशेष यह कि तीन लोग हिंदी कवि संमेलन के मंचों के जिनका अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, उनमें से अभिजीत कुमार मिश्रा जो महाराजगंज से हमारे बीच में आते हैं, नूरी अजीज जो जालना महाराष्ट्र से हमारे बीच में आती है, और ब्रजेश मस्ताना जो उदगवा दतिया से हमारे बीच में आते हैं। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं तीन नए लोगों में से। मैं किसी को भी बुला लूं, लेकिन आपका प्यार उससे कहीं दुगना मिलना चाहिए, क्योंकि जब नए लोग आते हैं हमारा उत्साह, उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। हम यहां से सितारे बना के भेजेंगे, आप उन्हें हाथों हाथ उठा लीजिए। ब्रजेश मस्ताना जोरदार तालियों के साथ। आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। फिर भी पे उतरा तू, ठीक है, प्रणाम स्वीकार किया। सर जैसे ईश्वर ने आपको मल्टी टैलेंट दिए हैं, अच्छा, वैसे ही मुझे ईश्वर ने मल्टी पर्पज यूज दिए हैं। मल्टी पर्पज क्या क्या बताएं? तो मैं अपने उपयोग बताता हूँ। बताओ उपयोग बताओ। जैसे पजामे में नाड़ा डालना है और आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है, तो वहाँ आप मेरा उपयोग कर सकते हो। एक तरफ से घुसता हूँ, दूसरे तरफ से निकल आता हूँ। बहुत बढ़िया है, ये मेरे उपयोग हैं। हाँ। वो तो गलत टाइम पे पैदा हो गया, अगर गांधी जी के टाइम पे पैदा होता तो वो अपनी लाठी छोड़ मेरी गर्दन पकड़ के चलते। सच बता रहा हूँ, ये मल्टीपर्पज उपयोग है मेरे। बोतल साफ करते हैं आप लोग, बोतल साफ करते हैं बोतल ब्रश से, अच्छे से साफ नहीं हो पाती है, मैं उसमें घुस के साफ कर लेता हूँ बोतल अपनी। बहुत बढ़िया सर, रात के 12 बजे मेरी पड़ोसन का फोन आया मेरे पास। अच्छा, ये आप गलत मत समझो, मेरे मल्टीपर्पज यूज बता रहा हूँ मैं। तो रात के 12 बजे पड़ोसन का फोन आया, बोले ब्रजेश जल्दी आओ। ऐसा क्या पड़ोसन रात को 12 बजे फोन करती है? सर स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। रात के 12 बजे फोन आया, बोले बहुत जल्दी आओ, आपातकालीन स्थिति है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे कान में चींटी चली गई है, घुस के निकालो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ब्रजेश। सच बता रहा हूँ, अभी मैं इंदौर से मुंबई आ रहा था तो बस में आया, तो बस वाले से पूछा मैंने, किराया कितना लोगे? बोले अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, क्या किराया लेना तुमसे? मैंने कहा फिर भी बताओ। बोले नहीं नहीं बैठ जाओ। तो मैं खुश हो गया, क्या पता मुझे जानता हो ये। तो मैंने कहा तुम जानते हो मुझे? बोले तुम कौन से प्रधानमंत्री हो जानने को? मैंने कहा किराया क्यों नहीं ले रहे? बोले किराया दो चीज़ों का लगता है, एक तो सीट घेरोगे तब, या फिर कुछ वजन हो तब। बोले वजन तुम में है नहीं और सीट की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो कहीं भी चिपक के बैठ जाना। ये मेरे उपयोग है। सर अभी तक मंचों पे केवल साड़ू के बारे में बताया गया है। साड़ू क्या होते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे गए दो ग्राहक होते हैं। लेकिन साली के बारे में किसी ने नहीं बताया अभी तक। तो मैं साली के बारे में बता रहा हूँ आपको कि आम के आम और गुठलियों के दाम होते हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम होती है, जिसकी चाहत में ये उम्र तमाम होती है। पत्नी होती है खरीदा हुआ बीड़ी का बंडल, अच्छा, और साली उसमें निकली हुई इनाम होती है। बहुत बढ़िया सर, आजकल के लड़के अद्भुत हैं कि पत्नी से ज्यादा सुंदर इनको साली चाहिए, अच्छा, प्रेमिका की सीट भी इनको खाली चाहिए, तंबाकू कितनी भी निकल जाए लेकिन सिगरेट डबल फिल्टर वाली चाहिए। वाह वाह। सर लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना लाइफ में ऐसे होता है। मुझे मालूम है, दो दोस्त बैठे हुए थे और एक दोस्त तीन पैक लगा के मुंह में फाक के फिर सिगरेट पीकर साथ वाले को बोला, ए तू है ना, ये जो है ना नूडल मत खाया कर, ये मैदे का होता है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं। तो सर लड़कियां भी किसी से कम नहीं है कि कोई देखे ना इसलिए फटाफट पी जाती हैं। अच्छा, सिगार सिगरेट सब सटासट पी जाती हैं, खांसी की सिरप इनको कड़वी लगती और चार बॉटल बियर गटागट गटागट पी जाती है। तो सर चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेरी प्रेमिका के चक्कर में, अच्छा, चली गई है अर्थव्यवस्था घाटे में। अच्छा, क्यों गई वो बता रहा हूँ कि जब देखो खाती रहती आते जाते में, पेट नहीं भरता उसका 20 पराठे में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर, 20 पराठे खाने के बाद भी जब दांतों में पराठा फंस जाता है तो मेरे तरफ घूर के देखती है, बताइए सर इंसान हूँ मैं, टूथपिक थोड़ी हूँ।
टूथपिक का जवाब नहीं बेटे, बहुत अच्छे ब्रिजेश, बहुत बढ़िया। तुमने जिस आत्मविश्वास से पढ़ा मैं उसे बधाई देना चाहता हूँ। ईश्वर करे तुम इसी तरह से सृजनशील रहो, और खुद की मजाक उड़ाना दुनिया में सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है और सबसे श्रेष्ठ काम भी होता है। आदमी लोगों की मजाक उड़ाए, औरों की मजाक उड़ाए, इससे बेहतर है खुद की मजाक उड़ा दे। स्वयं पे हंसना जो जानता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, और तुम स्वयं पे हंसना जानते हो, इससे बेहतर कुछ नहीं। आइए बुलाते हैं उस कवि को, अभिजीत कुमार मिश्र, जिसने उसके पिताजी राजेश मिश्रा अकेला नाम से नॉवल लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, और वो समाज की दृष्टि में एक लेखक के तौर पर इतना बड़ा नाम नहीं बना पाए, तो उनके पुत्र को लगा कि मेरे पिता का नाम मुझे आगे ले जाना चाहिए, और इस संकल्प के साथ अभिजीत कुमार मिश्र ने अपना उपनाम भी अकेला रख लिया। तो मैं अभिजीत मिश्रा अकेला को बुलाना चाहता हूं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय शैलेश लोढ़ा सर का, जिन्होंने मुझे एक ऐसा मंच दिया जहां से शायद अभिजीत मिश्रा अकेला नाम पूरी दुनिया में जाएगा। सर मैं बताऊं, मेरे नाम में भी अकेला है जी, और सामने भी बहुत खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं। सर खूबसूरत होने के बावजूद और अकेला होने के बावजूद भी मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकता, या मैं अकेला क्यों हूं, मैं चार पंक्तियों से बताता हूं। पढ़ती क्या टीच से ही बाहर थी, पढ़ती क्या टीच से ही बाहर थी, मुझको भी फ्रेंड जोन कर डाला, वो मेरी रीच से ही बाहर थी। और जब यह स्थिति हुई सर, तब मेरी स्थिति कहां तक पहुंची, तब सुनते ना गांव में, तो ये फ्रेंड जोन क्या होता है, ये फ्रेंड जोन अब किसी को समझाओ तो कई शब्द नहीं समझ में आते, उदाहरण देकर समझाना। अब जैसे कहीं या पढ़ ले अभिजीत फ्रेंड जोन, तब बैठे बिला समझना तो ऐसा ना समझना जैसा क्या था, नहीं कहा बोला फ्रेंड जोन, तो कौन सा जोन है फ्रेंड जोन, क्या मतलब है इसका। अब भाई फ्रेंड जोन हाँ मत समझा, हम समझा, और तुमने पिछले कई दिनों से मोहल्ले में चक्कर लगा रहे हो, है ना, और दो घर छोड़ के जो तुम्हारे भैया रहते हैं ना, तो मोहल्ले वाले भैया, तो भाभी को जाके तुम जैसे हंसते हुए देख लेते हो कई बार, जो भाभी तुम्हें रोज नहीं कह देती कि लल्ला हमने आपको उन नज़रों से ना देखा, बस वही फ्रेंड जोन है। आदमी को समझाना पड़ता है कि फ्रेंड जोन क्या है। बिल्कुल सर, है ना, यहाँ तक तो हो गया मैंने किसी को देखा, लेकिन जब कोई मुझे देखता है, मेरी जिंदगी में भी कोई है, वो क्या कहता है मुझसे कि रोशनी आंख भींच लेती है, रोशनी आंख भींच लेती है, दिल की बगिया वो सींच लेती है, कोई घर गैर देख ले मुझको वो मेरी खाल खींच लेती है। जब खाल खींची जाती है तब स्थिति क्या होती है सर, कि सानहा इस तरह भुलाता हूं, सानहा इस तरह भुलाता है जैसे कोई भी नहीं नाता है, बेबी वेटिंग ना हो इसी खातिर वीडियो कॉल पे सुलाता है। सजा सजा मुन्ना सो जा गुलू 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 सो जाता, कल्पना मात्र से क्रोध आ रहा है मुझे यार, किस जमाने का प्रेम है, रात को 2-2 बजे मुन्ना सोया नहीं, मैं मुन्ना सोया नहीं, अला पड़ोस में कोई सुन ले तो बोले यार ये तो शादी हुई नहीं, इसके बच्चे कहाँ से हो गए, मेरा मुन्ना सोया नहीं, उसे क्या मालूम कि वीडियो कॉल पे एक दूसरे को सुलाया जा रहा है। हद है इस प्रेम की। चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ, हाँ, शादीशुदा लोगों के लिए, और शैलेश सर के चरणों में रखता हूँ। मेरे चरणों में क्यों रख रहा है, खाली ना भैया, मैं बहुत सामान पड़ा पहले से। मैं पढ़ता हूं कि जीवन में सद्भाव जरूरी है साहब, जीवन में सद्भाव जरूरी है साहब, खुशियों का अभाव जरूरी है साहब, बीवी होने का एहसास इसी में है, बीवी होने का एहसास इसी में है, दिन भर काओ काओ जरूरी है, जरूरी है साहब। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। क्या बात है, अभी इतने बड़ा अच्छे आत्मविश्वास के साथ पढ़ा, जो आखिरी पंक्ति पढ़ी उससे मुझे स्वर्गीय प्रदीप चौबे जी, जो इस देश के अद्भुत हास्य के हस्ताक्षर थे, उनकी एक
संक्षिप्त छोटी लघु कविता याद आ गई। संक्षिप्त छोटी और लघु का अर्थ एक ही होता है, मतलब कुल मिलाकर सिर्फ दो पंक्तियों की कविता। क्या बढ़िया बात कही थी प्रदीप जी ने कि कौवे ने विवाह नहीं किया, एक कौवे ने विवाह नहीं किया। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा जब जीवन में पहले से ही इतनी काव काव है। जो जालना से हमारे बीच में है नूरी अजीज, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं शैलेश जी की कि उन्होंने मुझे ये यहाँ पर आने का अवसर दिया है। और जो आज हिंदुस्तान के हालात है, मैं आपके सामने अपना एक देशभक्ति गीत रखना चाहूंगी। सुनाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फूलों का गुलदान, दुनिया भर में सबसे अलग हो मिट्टी की पहचान, अमरीका भी तकता रहे, अमरीका भी तकता रहे और हैरत में जापान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, अगला बंद हाजिर कर रही हूँ। एक माटी के सारे बने हैं, सबका लहू है लाल, क्या बात है, सबके दिल की एक है धड़कन, सांसों के सुरतार, जात पात का भेद ना हो, जात पात का भेद ना हो, बस सिर्फ रहे इंसान, ऐसा हिंदुस्तान। जग में पापी कोई बना है नेक, क्या बात है, रास्ता सबका अलग अलग है, मंजिल सबकी एक, गंगा किनारे कोई आजादे, गंगा किनारे कोई आजादे, कोई करे स्नान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा के सारे बने हैं, सबका लहू है लाल, सबके दिल की एक है धड़कन, सांसों के सुरतार, सात पात का भेद ना हो, सात पात का भेद ना हो, बस सिर्फ रहे इंसान, ऐसा हिंदुस्तान। अच्छाई का बदला अच्छा, अच्छा है अंजाम, प्यार मोहब्बत और एकता नूरी का पैगाम, प्यार मोहब्बत और एकता नूरी का पैगाम, हंसते हंसते एक दूजे पे, हंसते हंसते एक दूजे पे हो जाए कुर्बान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। बहुत बहुत क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। हम सारे ही लोग ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं
तब चार पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि जरा सी बात पे पावन वचन को बेच देते हैं, सुमन की बात क्या पूरे चमन को बेच देते हैं, बड़े बेवफा गद्दार हैं जयचंद के बेटे जो स्वार्थ के खातिर वतन को बेच देते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। तो तीनों कवियों ने आज कमाल कर दिया। और जाते आते नूरी अजीज ने कहा ऐसा हिंदुस्तान बनाया, ऐसा हिंदुस्तान, सचमुच हिंदुस्तान ऐसा ही बनना चाहिए जहाँ जात पात का भेद न हो, भाषाओं का भेद न हो, क्षेत्र का भेद न हो, हम मिलकर रहें और मिलकर इस वतन की तरक्की में काम करें और नई प्रतिभाओं को वाह भाई वाह यूं ही आगे लाता रहे। और इनके लिए हम कहते रहे वाह भाई वाह।